दोस्तों, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपने अकाउंट का पिछले एक साल तक का स्टेटमेंट को निकालना चाहते हैं, तो आप बिना ब्रांच जाए, बिना इंटरनेट बैंकिंग से ही सिर्फ आप पेटीएम एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट का पिछले एक साल तक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप पेटीएम एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट का पिछले एक साल तक का स्टेटमेंट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर दे रहा हूँ और मैं इसमें बायोमेट्रिक्स में लॉगिन हो जा रहा हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बैलेंस हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किए होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपने अकाउंट का पिछले एक साल तक का स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक आ जाएगा, तो जिस बैंक का आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है तो उसको आपको यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी बैंक आपने ऐड किए होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेट करूँगा क्योंकि उसी का आपको स्टेटमेंट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर लास्ट का 4 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है अपने बैंक अकाउंट का पिछले एक साल तक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट मंथ का निकाल सकते हैं, 3 मंथ का, 6 मंथ का और यहाँ पे 1 ईयर्स का। आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक साल तक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। या तो आप फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 24-25 का करंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या तो आप 23-24 का भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट वाले को सेट करूँगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं कस्टम डेट वाले को इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्म में इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2024 को ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 2023 का, यानी आप एक साल का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2023 को सेलेक्ट करूँगा, जैसे आज की तारीख है 7, तो 7 को ही सेलेक्ट कर लेते हैं मैं 2023 में 7 तारीख को, और 2 में इस पर क्लिक करेंगे तो 2024 जैसे यहाँ पे है तो 2024 7 को ही रहने देते हैं, यानी एक साल का हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं 7/11/2023, 7/11/2024 के बीच में आपको निकालना है एक साल का। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है चली जाएगी यहाँ के अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए। आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं 7/11/2023 और 7/11/2024 यानी एक साल का आपकी जो है रिक्वेस्ट जनरेटिंग के लिए चली गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको कुछ सेकंड वेट करना है, या तो आप जो है यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और फिर से इस तरह से करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, यानी कि आप देख सकते हैं 7/11/2023 से 7/11/2024 तक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। फिर आप इसको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर भी डाउनलोड हो गया है। अगर आप चाहे तो यहीं से ओपन कर सकती हैं, या तो आप यहाँ से किसी ब्राउजर से आप ओपन करवा सकती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी एक ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट का पिछले एक साल तक का स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो सब जगह है, तो आप देख सकते हैं एक साल तक का स्टेटमेंट हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया हूँ। आप यहाँ देख सकते पूरी लिस्ट आ जाएगी, एक साल के अंदर में जितने भी आप ट्रांजेक्शन किए होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और आपने कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया है, कितना पेड किया, कितना रिसीव किया, वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक साल में 1,36,775 रुपये पेड किया हूँ, और हमने यहाँ पे रिसीव हुआ है 71,480 रुपये रिसीव हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपने, अगर आपके अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप पेटीएम एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं पिछले एक साल तक का। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए।